हम आपसे पूछेंगे आपके बारे में, आप अगर अपना इंट्रोडक्शन दे सकती है, स्पेशली बार्ली कैसे आपने शुरू किया, और आज आज के समय में जो सोशल मीडिया वाला एज है, और जब आपने बार्ली स्टार्ट किया था तो कितना वो डिफिकल्ट होगा, तो आप अपना अपना पर्सपेक्टिव बता सकती है क्या कि आपका जर्नी क्या रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग बार्ली टू टूडेज एज 2021 तक, आपने क्या देखा है, आपने क्या महसूस किया है, क्या क्या एम्पावरमेंट हुआ है विमेन के लिए, क्या उनमें अभी क्षमता है कंपेयर टू जब आपने बार्ली स्टार्ट किया था। तो हम उससे शुरू करना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप फील्ड में हो, अभी आपने देखा है अपनी आंखों से, तो वो हम कहानी आपसे सुनना चाहते हैं कि आपने शुरू किया टू 2021, आपने क्या देखा है, आपने क्या महसूस किया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरा पूरा नाम जनक पल्टा मगिलिगन है। मैं पंजाब में जालंधर में पैदा हुई 1948 फरवरी 16 को। पल्टा परिवार में, पल्टा जो शब्द है ये मेरे पिताजी का सरनेम है, और गुरु नानक देव जी की बहन की शादी पल्टा परिवार में हुई थी। उस परिवार का मैं एक छोटा सा आगे चलते पीढ़ियों में से एक उनकी बेटी हूँ उस परिवार की। और मगिलिगन मेरे हस्बैंड का मेरा सरनेम है, जो कि नॉर्दर्न आयरिश ब्रिटिश ब्रिटेन के अंदर आता है, और मेरे हस्बैंड का सरनेम है तो मेरा सरनेम है। तो मैं 1948 में पैदा हुई जालंधर में, और मैं कुछ साल के बाद मेरे माता पिता की मैं पहली बेटी थी, जो उनके पहले उनकी पत्नी और उनके दो बच्चों की उस जमाने में टीबी का महामारी फैले थे, मेरे से पहले, मैं 73 साल की हूँ, तो शायद 80 साल पहले पुरानी बात है। मेरे पिताजी की शादी हुई, उनकी वाइफ की, दो बच्चों की टीबी से डेथ हो गई। तो मेरी मदर भी उन्हीं की सहेली थी, और उनकी उनके पिताजी आपस में भाई थे, तो उन्होंने मेरी मदर का रिश्ता किया, और मेरी मदर को भी एक बेटा हुआ, उसकी भी डेथ हो गई थी, कोई स्टिल बॉर्न बेबी, बॉर्न डेड बेबी हुआ। उसके बाद मैं उनका पहला बच्चा हुई, और उसके बाद 4 बच्चे, और हम बहन भाई, 5 बहन भाई हम लोग बहुत अच्छे से रहे हैं। एक भाई की डेथ हो गई काफी साल पहले, 49 की एज में, कैंसर से। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता, हम लोग एक बड़े संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। हमारे माता पिता दोनों अलग अलग भाषा जानते थे पढ़ने लिखने में। माँ सिर्फ गुरुमुखी यानी पंजाबी लिखना पढ़ना जानती थी, वो उस जमाने में 6ठी क्लास तक पढ़ी हुई थी। और हम लोग इसी पंजाब के हैं, इंडिया वाले भाग के, हम लोग माइग्रेट होके नहीं आए हैं। तो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर पे है, वहाँ हमारा पैतृक गांव है, और मेरे ननिहाल पंजाब में जगराओं, जहाँ लाला लाजपत राय पैदा हुए थे और बड़े हुए थे, वहाँ उस जगह ननिहाल मेरे। और पिताजी ट्रांसपोर्टर थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, इस तरह से फैमिली बिजनेस था। और वो हर जगह अपना एक बड़े प्रोजेक्ट पे चले जाते थे, सारे आदमी लोग और 3 भाई, पलटा ट्रांसपोर्ट कंपनी। एक बार सारे ट्रक एक बार सारा उखाड़ के सारा ले जाते थे, उसके बाद वो प्रोजेक्ट भाखड़ा डैम बना, भाखड़ा डैम हुआ, भिलाई स्टील प्लांट चले गए वो छत्तीसगढ़ में, उसके बाद बुखारो स्टील प्लांट, ऐसा करके जमशेदपुर, हर जगह वो भारत के जितने बड़े सरहन कैनाल बनी है, तो वो सब में तकरीबन वो चले जाते थे, और वो साल में 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से घर आते थे। तो हमारी मदर ही हमारी पहली गुरु थी। और मेरे जीवन का अगर कोई मैं आदर्श कहूँ, तो मेरी माता जी, जिनको हम बीजी कहते हैं, बीजी बहुत ही साधारण किस्म की महिला थी, लेकिन वो बहुत सुलझी हुई थी। और वो एक अपने मायके में सबसे अच्छी बेटी
बेटी थी, ससुराल में सबसे अच्छी बहू थी और अपनी बहू की सबसे अच्छी सास थी और अपने जवाइयों की सबसे अच्छी सास थी और सारे समझियों की बहुत अच्छी समधन थी। ये सारी बातें उनकी डेथ के बाद हमें पता चली, जब हमारे मामा जी लोगों ने बोला, पांच मामा जी थे मेरे, कि हम सोचते हैं कि हम दुनिया में खुश नसीब हैं कि हम माया बहन के भाई हैं, मतलब मैं ऐसी माँ की बेटी हूँ जिस पर उसके भाई गर्व करते थे कि हमें गर्व है कि हम इनके भाई हैं। हाँ। कुछ उनकी बातें बड़ी वो आध्यात्मिक थी, वो हम लोग क्योंकि ऐसे परिवार में से थे जिसमें गुरुओं की गुरुवाणी भी पढ़ी जाती थी और रामायण और भगवत गीता और सारे पवित्र ग्रंथ पढ़े जाते थे, वो खुद पढ़ती थी सारे, आमतौर पर पंजाबी में ही लिखे होते थे, तो वो बहुत सिंपल थी। तो उनको, उन्होंने जो मुझे जीवन सिखाया, आप जीवन शैली की बात करते हैं, पहली बात मुझे ये याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने उनको कहा कि स्कूल जाने में देर हो रही है तो मैं आज टिफिन अब छोड़ के मैं जा रही हूँ, मेरे को बस रहन दो आप, तो ऐसा बोल के उन्होंने बोला ठीक है जाओ स्कूल, जब भूख लगेगी कौन सी मासी खाना देगी। अब मैं इतरा के चली गई, ये मेरी तीसरी क्लास की बात है, तो भूख लगी और किसी ने खाना नहीं दिया। उसके बाद ये समझ आई कि माँ का इतना दृढ़ होना, उसके बाद जीवन में माँ के साथ जिद नहीं की और पूरे जीवन में किसी के साथ पूरी बात सुने बिना, पूरा रिएक्ट किए बिना, पूरा उसके किए बिना किसी के साथ जिद नहीं की। दूसरी उनकी शिक्षा थी, कोई हमारे परिवार की कोई बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने मेरे सामने अपने बेटों को देशी घी का पराठा बना के खिलाया और मेरे बैठे हुए इसी परिवार का कजन का कोई एक कजन लड़का आया, वो एक ही था अपने माँ बाप का बेटा, उन्होंने अपनी ये घुटने के नीचे चूल्हे के पास एक डालडा घी का कटोरी भी थी, उस एक बच्चे के लिए डालडे का पराठा बना के खिलाया। जब मैं उठी रोती हुई घर आ गई और अपने बीजी को बोला कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने बोला आपको कोई हक नहीं है अपने से बड़ों की गलतियां निकालने की। हाँ। अगर आपने जिंदगी में कोई ऐसी बात जो आपकी आत्मा को बुरी लगी है, याद रखना अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करना। हाँ। बस ऐसी गुरु। हाँ। उसके बाद मैं बड़ी हुई, हम लोग जालंधर से रोपड़, रोपड़ से मनीमाजरा, मनीमाजरा से चंडीगढ़ आए, एक मॉडर्न शहर बन रहा था चंडीगढ़ 1958 में। चंडीगढ़ सुना है आपने? यस हाँ बिल्कुल। चंडीगढ़ में मेरी मदर ने मेरे फादर को बोला आप अब बाहर रहते हो, मुझे कहीं रख दो आप, मैं अब आपके साथ घूमूंगी नहीं सब जगह। बेटी पढ़ने लगी है छठी पे, तो मेरे को वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ मैं, तो 3 महीने में मेरी मदर ने वहां रहकर, हम 4 बहन भाई और थे 5 बच्चों के साथ, उन्होंने अपने आप 3 महीने में 3 मंजिल का घर बनवाया। वो जमाना था जब मुझे एक दिन उन्होंने 600 रुपए दिए कि वो सामने एक शॉप थी, शॉप कम फ्लैट, थोड़ा सा वॉक करके मुझे जाना था और मैं 7th क्लास में थी तब, ये 600 रुपए की 100 बोरी सीमेंट की आएगी, 6 रुपए की सीमेंट की बोरी, मैं पैसे दिए बोरी आ गई, घर बनता रहा, वो हो गया, सब बढ़िया हो गया, हम आगे रहने लगे। उसके बाद मैं स्कूल जाती रही और कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे अंदर ये जो चेतना आई है, हाँ, वो माँ ने कैसे दी है, एक एल्डर, मैं आज आपको एल्डर औरत का रोल बता रही हूँ जिंदगी में, हाँ, एक एल्डर माँ,
एक ऐसी माँ जो पढ़ी अंग्रेजी नहीं जानती थी, जो पैसे से और कपड़ों से और उससे लोगों को नहीं तोलती थी, ज्वेलरी से नहीं तोलती थी, केवल केवल इंसानियत देने की और बनाने का उनका अपना जीवन था, जिसको देख देख कर जो भी है हम वो बने। उन्होंने ये सब, मैं बैठी थी एक दिन रविवार को, संडे को, चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है उस जमाने से भी, अभी भी वहां फ्लश टॉयलेट सबसे पहले आ गए थे। तो घर में एक जो भंगन थी, जिसको भंगन कहते थे, भंगी जो टॉयलेट पखाना साफ करती थी, लेकिन वहां कुछ साफ करने जैसा नहीं था, पर वो पानी फ्लश करती थी, एक झाड़ू चलाती थी, बाहर कचरा रखा था उसको ले जाती थी, और संडे को वो खाना लेने आती थी। बहुत सुंदर तैयार होके और अपने हाथ में एक बास्केट लेके आती थी, टोकरी, उसमें उसको ऐसे खाना देते थे ऐसे ऊपर से। अब वो भी एक एल्डर औरत थी, और मैं मन में बहुत सोचती कि एक खाना ऐसे क्यों दे रहे हैं, और इसके साथ लगना नहीं, छूना नहीं इसको, हम क्षत्रिय परिवार से थे। मैं कई महीने इस बात को, संडे को घर होते थे तो इसको देखती रही। एक दिन मैंने इसमें दखल दिया। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि एल्डर एल्डर से अपने जीवन में कैसे ज्ञान लिया और उसको कैसे अपने जीवन में फिर आगे ट्रांसफर किया। मैंने एक दिन चंपा को पूछा, इसको चंपा ही कहते थे सब, चंपा बड़े ताया जी के घर से क्या लाई है? उसने बोला आलू का पराठा। मैंने आलू का पराठा उसके बास्केट में से उठा लिया मेरे हाथ से, और अपनी जो रोटी और सब्जी बनी थी, बहुत प्यार से उसके उसके बास्केट में हाथ लगा के इज्जत से रख दिया। अब ऊपर से रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी दो चार बुजुर्ग औरतें घर में बैठी थी, उन्होंने कहा इसको गंगा जल से नहलाओ, इसने धर्म भ्रष्ट कर लिया है इसने। तो एल्डर्स जो इस तरह के होते हैं, वो तो हमारे अंदर वैमनस्य बढ़ाते हैं, वैर भाव, द्वेष और जेलसी और कंपटीशन। तो सबसे ज्यादा महिलाएं ही हैं जो दोनों साइड की हैं एल्डर्स में। जितने देश में, जितने भारत में महिलाओं के खिलाफ नियम बने हैं, वो सारे नियम महिलाओं ने ही बनाए हैं। चाहे वो पति के जाने के बाद बिंदी नहीं लगाएगी, मंगल सूत्र नहीं पहनेगी, उसमें नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, वो अछूत हो गई है, आदमी के लिए कोई नियम नहीं है। सारे व्रत भी औरत रखती है, पति के लिए, बेटे के लिए, और सब भगवान भगवान को, सबके लिए। पर कोई अस्टी आदमी बेटी के लिए, पत्नी के लिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मैंने अपने जीवन में व्रत रखते नहीं देखा। तो वो एक छोटा, फिर उसके बाद नवरात्रि में कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन पे आमतौर पर हमारा थोड़ा एक अच्छा संपन्न परिवार था, तो आसपास की अपने परिवार की कोठियां कहते थे, कोठियों में रहते थे, तो अपना उस सब आस पड़ोस की वही बच्चियां, बढ़िया घरों की, जो खाते पीते घरों की है, वही 5 या 7 बच्चियों को लाते थे, उन्हीं को गिफ्ट देते थे, पैसे देते थे, उनके पैर धोते थे, सब करते थे। एक टाइम में उससे देखते देखते मैंने सोचा ये बहुत ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा भाई सा मेरे से छोटा, वो लेने जाता था अविनाश सबको। एक दिन मैंने बोला, आज मैं लेके आती हूँ कंजका को, कनका, कंज पंजाबी में कंजका बोलते थे। मैंने हमारे मोची की बेटी को लिया, मोची की बेटी को लिया, और हमारा जो कपड़े प्रेस करता था उसकी बेटी को लिया, और रोड साइड पे ऐसे ही बेचारे बैठते थे, जिसको आप लोग झुग्गी झुग्गी बस्ते वाले कहते हैं,
तो उनको सबको भी उठा लाई, बुला लाई, चलो चलो हमारे घर आज ये पूजा है, बैठे। तो पैर धोने, तो मेरा भाई उनके पैर धोने को तैयार नहीं, क्या अच्छा उठा लाई ये। तो लेकिन ये बात धीरे 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 एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूं, मेरे घर में वो नियम छोटे हुए हैं। वो नियम जो जाति पाति के थे, वो नियम जो अमीर गरीब के थे, वो नियम जो भेदभाव के थे, वो नियम जो भ्रष्ट नियम थे, वो सारे नियम मेरे जीवन में, वो सारे बड़े नियम छोटे हुए, खत्म हुए, कम हुए। एक एक ये बातें थी जो आपको सुनाना चाहती थी, करते करते मैं बड़ी हुई। आपकी बात कितने मिनट तक, आपको मेरे साथ बात करना है? आप कितने मिनट तक बात बात करना चाहोगे हमसे? हम तो पूरा मतलब दिन बात कर सकते हैं आपके साथ, हम पूरा दिन बात कर सकते हैं आपके साथ। आपको बीच में ये जूम की प्रॉब्लम नहीं है, लिंक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टूटेगा नहीं? नहीं। मैं पूरा दिन तो नहीं, पर मेरे को टाइम का आदत है पूछने की कि कितने टाइम है मुझे बात करना, फिर मैं फ्रेम में रह सकती हूँ उसमें। तो चलिए, ये मेरे दो भाई थे, मेरी दो बहनें थी। मेरी मदर ने उनको ऐसा बनाया कि उनको मेरी बात मानना होती थी। मैं पढ़ने गई स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में चंडीगढ़ में। मेरे चारों भाई भी स्कूल में गए, दो दो स्कूल, तीन गए स्कूल में, कोई स्कूल में से हटके आ गया। फिर मेरे पास ही पढ़े, सब मेरे साथ ही पढ़े, कोई भी हमारे, मैं कॉलेज नहीं गई, मैंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, मैंने यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा पढ़ने के लिए। अभी पढ़ाती हूँ, यूनिवर्सिटी वालों को पढ़ाती हूँ, इंडिया को, बाहर वालों को, सबको पढ़ाती हूँ। लेकिन पढ़ती पढ़ती थी, एग्जाम देती थी, पास हो जाती थी। मैंने लड़की होने का अपने जीवन में सबसे ज्यादा फायदा उठाया है कि लड़की को कितनी सुविधाएं हैं, वो सब मैंने अपने जीवन में अपनाई है। प्राइवेटली एग्जाम दे सकते थे, फीस हाँ देना कुछ नहीं, देना झमेला नहीं है। दिन में काम कर रही हूँ, शाम को पढ़ाई कर रही हूँ, अपने बहन भाई को पढ़ा रही हूँ, वो भी फिर बाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए, पर सब पढ़े लिखे। तो मैं जब 10th क्लास पास की, मैंने 1963 में, 64 आ गया, पंडित नेहरू की डेथ हुई, उसके ठीक उसी रात को मुझे अचानक ऐसा कुछ हुआ, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा दिन में कन्वर्शन हुई, बेहोश हुई, हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर ने बोला बहुत लेट हो गया अभी, ये तो बहुत लेट है, अभी मुश्किल है, पर ट्राई करेंगे, अगर हमारे हार्ट की सर्जरी अभी होती नहीं है, ट्राई करेंगे, हो गई तो ठीक है। तो माता पिता बहुत दुखी थे, लेकिन एक साल मुझे अस्पताल में रखा गया, चंडीगढ़ पीजीआई, सबसे बड़े अस्पताल में। तो शुरू में हर, अभी टीकाकरण हो रहा है, तो शुरू में मैं लोगों को बता रही थी मैं टीका करवा के आई, 1 मार्च को, उधर मोदी जी ने करवाया, इधर हाँ मैंने करवाया हाँ इंदौर। देखा हमने फेसबुक पे। मैंने, मेरे को लोगों को बोला कि ये टीके का क्या डरते हो, मेरे को हर 4 घंटे में 24 आवर्स में 6 स्ट्रेप्टोपेंसिलिन के टीके उस जमाने में लगते थे। हालत ऐसी हो चुकी थी, मेरा पूरा ब्लड गड़बड़ हो चुका था, सारा उनको चेंज करना था, जो भी था, वो एक लंबा किस्सा है, उसमें ना जाते हुए। तो मैंने दाखिल रही हॉस्पिटल, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट चलते रहे, सर्जरी कोई नहीं हो पा रही थी, सक्सेसफुल नहीं थे। तो बड़ी चिंता थी कि अभी क्या होगा, मेरे को कोई चिंता नहीं थी, मैं तो मरीजों की, मेरी नर्सेस सब मेरी फ्रेंड बन गई थी, मुझे अपने हॉस्टल ले जाती, मैंने सारा कुछ हेल्थ को लेके हॉस्पिटल में 1 साल रह के देखा, हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के क्या ट्रीटमेंट हैं। एक गांव का आदमी एक शहर के हॉस्पिटल में आके कैसे लुटता है, कैसे
हैरास होता है। हाँ, आप एल्डर्स की बात कर रहे हैं, एल्डर्स की इस देश में जितने ज्यादा से ज्यादा ओल्ड एज होम और आश्रम बन गए हैं, वो भारत के लोगों के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, एक काला दाग है वो। इस देश में जहां राम ने अपने मां बाप के लिए वनवास लिया 14 साल, सौतेली मां की बात मानी उसने, इस देश में मां बाप की कोई वैल्यू नहीं है, एल्डर्स की बात। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत किया। एक बुजुर्ग थे, अब एल्डर्स की ही बात सुना रही हूँ, एक हमारे पड़ोस में एल्डर व्यक्ति थे चौधरी साहब, उनकी भांजी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थी सुशीला नायर, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं गूगल पे जाके, वो महात्मा गांधी जी की वो वृद्धा आश्रम में और विनोबा जी की शिक्षा थी, हॉस्पिटल में भी नर्स डॉक्टर थी। तो उस टाइम पर वो नेहरू जी की डेथ हुई तो उसके बाद शी वाज अपना ये तो मिनिस्ट्री में, उनकी मिनिस्ट्री में थी, तो उनके पास गए वो दिल्ली, वो बोले ये इतनी अच्छी बच्ची है हमारी, अभी इसको हॉस्पिटल में रखा है, इसका क्या कर रहे हैं, 9 महीने हो गए, 8 महीने लगभग हो गए थे, भविष्य इसकी पढ़ाई, कॉलेज जाना, इसको पढ़ाई करनी थी, तो जांच करवाई, इंक्वायरी कराई। यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि इस तरह का कंसर्न पड़ोस का होता था जिसने हमें बड़े किया। एक पड़ोस सीसीटीवी कैमरा से सुरक्षा नहीं बढ़ेगी, सीसीटीवी कैमरा से सिर्फ डर बढ़ेगा। वो विश्वास, वो पड़ोस जब अपनी चाबी और अपनी बेटी को पड़ोस में छोड़कर चले जाते थे कई दिन, वापस बेटी भी सुरक्षित मिलती थी और घर की चाबी भी, घर में भी कोई नुकसान हुआ नहीं दिखता था। मैं उन सब व्यवस्थाओं को भारत में वापस देखना चाहती हूँ। वो ऐसे आप जैसी लड़कियां ऐसे इंसान बने और बुजुर्गों की समस्याएं कैसे आप उनको इधर उधर बता के कर रहे हैं, कुछ जीवन दीजिए उनके साथ, एक आध माँ का सास का जीवन समर्पण कीजिए उसको, अपनी माँ सास को, अपनी किसी नानी दादी के साथ रहकर उसके जीवन को सुख देके भी देखिए। ये खाली डिजिटल पे कोई ये बहुत बड़ा ये नहीं हो पाएगा, ये केवल एक वो ठीक है, ये चलता है, एक बात हुई, इतने व्यूअर आए, इतने लोगों ने देखा, बस इससे ज्यादा और कुछ इसका डीप इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जो भी था, उन्होंने जांच की कि 14 घंटे की सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया देना नहीं आता था किसी को। हेल्थ मिनिस्टर ने, भारत के एक डॉक्टर भट्टाचार्य कनाडा में एनेस्थीसिस्ट थे, उनको बुलाया, मेरी सर्जरी के टाइम उनको एनेस्थीसिया दिलवाया, एनेस्थीसिया दिलवा के बाकी डॉक्टरों को भी एनेस्थीसिस्ट को ट्रेन किया, तो मेरी सर्जरी हो गई 14 घंटे में और मैं बेहोश थी। मेरे पास सारे डॉक्टर खड़े हैं, मुझे नहीं पता, पर एक डॉक्टर ने आके मेरे हाथ पे हाथ मारा, जनक आंखें खोलो, देखो यू हैव मेड द हिस्ट्री, तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। तो ईश्वर से मैंने एक उस टाइम मेरा कनेक्ट हो गया, मेरी आत्मा में होश आया, डॉक्टर की बात सुनी, अभी आंख नहीं खोली, ईश्वर को कहा आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसको केवल आपका थैंक यू करने में लगाऊंगी। उस दिन के बाद आज तक मैंने जीवन में जो भी कुछ किया है वो केवल ईश्वर को थैंक यू करने का मेरा एक रास्ता है। ना मेरी जिंदगी के कोई प्रोजेक्ट है, ना मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है कि मुझे यहां तक पहुंचना है, सफलता असफलता की कहानी नहीं है मेरा जीवन, केवल इंसान का जीवन माँ ने जन्म से दिया,
माँ ने कर्म से दिया, माँ ने शिक्षा से दी, पिता ने अपना ब्लड दिया मुझे उस टाइम पर, बहुत लोगों ने, 16 लोगों ने ब्लड दिया, और पिताजी ने जितना हौसला दिया वो जीवन में, मैं आज बड़ी आवाज में इसलिए बोल लेती हूँ कि पिताजी खुश होते थे मेरी बात सुनकर और शाबाश देते थे, वाह ये है मेरी औलाद। वहां से एक बात यहाँ ये हाईलाइट बताना चाहती हूँ, अभी महिलाओं की सशक्तिकरण, एल्डर का सशक्तिकरण, हम बचपन में कैसे हैं, हमारा परिवार हमें कैसे पालता है, हम वैसे ही एल्डर बनते हैं जाके। एल्डर को नहीं बदल सकते, छोटे जो बच्चे हैं, जो रोपे हैं, सैपलिंग्स हैं, उनको अच्छे से लगाना, देखभाल करना, शेप करना, वो अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छे किशोर बनेंगे, अच्छे युवा बनेंगे, अच्छे बड़े बनेंगे, अच्छी बहू बनेगी, अच्छी सास बनेगी, अच्छा जवाई बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा। ये संस्कार है, वो संस्कार नहीं है कि जो हिंदुस्तान में मुस्लिम है वो पाकिस्तान चले जाओ, जिसका नाम खान है उसको मकान नहीं देंगे, जिसका नाम हिंदू है उसको मुसलमान मकान नहीं देगा, और ये अभी लव जिहाद और ये और वो और सब, ये इंसानियत नहीं है, ये भारत भी नहीं है, ये भारत के कुछ कूटनीति है कुछ लोगों की, ये स्वार्थ है, ये वासुधैव कुटुंबकम को बर्बाद करने की एक प्रणाली है, प्रणाली प्रणाली एक व्यवस्थित लोगों के दिलों को, इंसान वो है जो लोगों के दिलों को जोड़े। चलो आप एल्डर्स को जोड़ रहे हो इस पे ना, पर क्या आपके एल्डर्स में भी ऐसा है कि कितने मुस्लिम, कितने क्रिश्चियन, कितने आदिवासी, कितने जो ऐसी जाति जो जिनको छूते नहीं है, क्या उनका भी कोई आपके पास देता है बताने के लिए मुझे कि आप कैसे उनके लिए, आपने क्या किया अभी तक किसानों की, बड़े किसान के लिए, औरतों, आपने कहा कि औरतों के लिए करते हैं, अगर आदमियों के लिए भी करते हैं तो क्या क्या ऐसे वाले लोगों के लिए किया जिसका बच्चे उसको छोड़ के चले गए, आपने आपने उसकी बात बता दी, नंबर बता दिया, कर दिया, लेकिन उसकी जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो उसी को करना पड़ती है। खैर मैं इस बात से वापस वहां आते हुए कि मैं ठीक हो गई, उस दिन से मैंने अपने जीवन में ये ढूंढना शुरू किया। उस हॉस्पिटल को पुरस्कार मिला, वो भारत का पहला फर्स्ट सक्सेसफुल सर्जरी हुआ। उस पल से मैंने ईश्वर से कहा अब आप जो कराएंगे वो करूंगी, और सबसे दो बातें पैरेलल चली मेरे अंदर, एक तो ये कि ईश्वर कौन है, कहाँ जाना है उसके पास, उसका थैंक यू कैसे करना है, उसमें कुछ बातें मुझे क्लियर थी। मुझे साधु ये नहीं बनना, पांव छुए लोग, भगवा चोला पहनना, नन बनना है या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, लोग आके मेरी महिमा गाए, मुझे ये सब नहीं बनना है। मैं किसी ऐसी जगह पे अपना सेवा नहीं देना चाहती थी जहां जाति के लेके ये केवल हमारा हिंदू धर्म का है, कोई मुसलमानों का है, कई क्रिश्चियंस का है, ये उनके लिए ही करते हैं, जाति धर्म, मैं भारत की बेटी हूँ या विश्व का इंसान हूँ, विश्व का प्राणी हूँ, मैं विश्व का कल्याण और प्राणियों में सद्भावना वाली जनक हूँ, इससे कम और इससे ज्यादा में भरोसा विश्वास नहीं है, ये मेरे सोच थी। लेकिन आगे चले, पहला काम था मेरा कार्डिक वार्ड में, ओपीडी में बैठना जाके हर रोज, वो लोग मेरे को देखते थे जिनको ऑपरेशन करवाना था, मैं उनका एक, अभी टीके से है ना, किसने करवा लिया, अब मोदी जी ने करवा लिया, मैंने करवा लिया, तो बहुत लोग, मेरी फिल्म चल गई सारे शहर में, अगले में लाइनें लग गई लोगों की, हाँ जनक दीदी ठीक है, उन्होंने डाल दिया, मैं ठीक हूँ बिल्कुल।
मैंने मैंने हार्ट कैसे लोग सर्जरी कराए, मेरी पहली सेवा वो थी। तब तक होती रही जब तक एक और लड़के का ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर उसके बाद और ऑपरेशन कामयाब हो गए और लोग फिर देखते रहे। आपने पूछा टेक्नोलॉजी की बात, क्या कोई सोच सकता है कि फोन के बिना, कार के बिना और ये इंटरनेट के बिना दुनिया होती थी? होती थी, हाँ बिल्कुल होती थी। अभी आपकी जो जनरेशन है उसको उसको उसकी उसका फर्क नहीं पता। हाँ आपको तो जन्म से मिल गई है, मैंने तो ये 50 साल की उम्र में कंप्यूटर पर बैठ के अभी काम करना शुरू किया। तो मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ ले जाती हूँ इस बात पे कि मेरे वो सेवा करते करते मैं थोड़ा ब्लाइंड्स के साथ रीडिंग और राइटिंग का काम करना शुरू किया। मेरे अंदर ये जो भी छोटा मोटा ये, फिर एक स्कूलों एक स्कूल जैसा खोला अपने घर से थोड़ा पास एक जगह लेके, कोई भी पढ़ने आए गरीबों के बच्चे और सब, तो वो चलता रहा। विवेकानंद स्कूल एंड कॉलेज खोला मैं, मेरे चारों बहन भाई मेरे स्कूल एंड कॉलेज में पढ़े हैं और सारे बहुत अच्छी पोस्ट है, अभी सारे रिटायर हो गए हैं। कल सबने वैक्सीन करवा लिया मेरे बाद में, चंडीगढ़ में हम सब जगह जहां जहां भी थे तो सब। फिर उसके बाद वो स्कूल चलता रहा, फिर उसके बाद मैंने 1968 में मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, प्रोविडेंट फंड ऑफिस में मैंने 68 से 72 तक, 72 से 76 तक हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर का जॉब किया मैंने। इस बीच में मैंने बीए कर ली, एमए इंग्लिश कर ली अपने, और वो स्कूल भी चलाती थी और लोगों को बीमारों का थोड़ा ख्याल रखना, उसको अस्पताल पहुंचाना, वो सब चलता रहता था। मेरे माता पिता ये सोच रहे थे कि ये बड़ी है तो शादी कब करेगी। तो मेरे को ईश्वर ने एक बहुत अच्छी सद्बुद्धि दी थी कि मैं माता पिता को नाराज नहीं करती थी, मैं ये कहती थी हाँ कर लूंगी जब बिल्कुल ऐसा कोई अच्छा हो जाएगा। तो मेरे चारों बहन भाइयों की मैंने शादियां उनको खुश करके रख के करवा दी। मेरे मन में ये था कि मुझे शादी नहीं करना। आज मैं आपको पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरी पूरी लाइफ में बचपन से लेके आज तक मेरी जिंदगी में कोई भी फैसला ऐसा नहीं है जो मेरा फैसला किसी और ने लिया। मैंने कौन से स्कूल में पढ़ना है, कॉलेज में नहीं जाना है, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये नौकरी करनी है, ये छोड़नी है, बस रिजाइन करके और अगला मिल गया तो जैसे भी करना। तो ये सब उसके बाद मैंने ये अभी सोशल वर्क करना है, ये स्कूल खोलना है, साथ में ये करना है, कोई इतना विश्वास था मेरे माता पिता को कि वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि ये किसी लड़के के साथ। मेरे मोहल्ले के जो लड़के थे, चंडीगढ़ एक बड़ा हाई लोकेटेड सेक्टर है, मेरे से थोड़े छोटे और मेरी उम्र के जितने लड़के थे, अगर उनको कहीं जाना है, उनके माँ बाप कहते थे अगर जनक जा रही है तो आप उसके साथ जा सकते। मेरे मोहल्ले के माँ बाप अपने बेटों को मेरे साथ सुरक्षित महसूस करते थे। मेरे पास ना पिस्तौल थी ना मेरे पास ये अभी क्या सीखते हैं ये वो क्या क्या मार्शल आर्ट कराटे, हाँ कराटे जूडो ऐसा कुछ नहीं था, पर मेरे अंदर ईश्वर का विश्वास था और मेरे अंदर साहस था। बस, और लोगों को ये पता था कि ये बच्चे इसकी संगत में रहेंगे तो वो गड़बड़ नहीं करेंगे। माँ बाप के बच्चे भी, अली मोहल्ले के भी और रिश्तेदारों के भी। तो मैं एक खूब अच्छी बॉस बन के रही जिंदगी में बहुत, एंड वी बट आई मेड ए गुड टीम। आज भी ज्यादातर वो सारे लोग मेरी फेसबुक पे हैं, वो बचपन वाले उनके बच्चों के बच्चे भी अभी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। चार पीढ़ी के लोग मेरी फेसबुक फ्रेंड हैं अभी उस टाइम के। उसके बाद मैंने पढ़ाई नौकरी, फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते फिर मेरे को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बुलाया गया कि आप, मैंने एमफिल भी कर ली। फिर मैंने मुझे
इलेक्शन स्टडी थी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, वो मिली। तो मेरी एक सर्च जो अंदर चल रही थी बाहर के कामों के साथ साथ, ईश्वर और मेरी मंजिल किस प्लेटफॉर्म से मुझे काम करना है, उसमें चार बातें थी। एक बात ये थी कि मैं अपने देश की ही, देश के लिए ही सेवा करूंगी। एक ये था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी। तीसरा था एक गवर्नमेंट के विरोध में जो काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, बुरी करते हैं, साथ भी नहीं बना। आखिरी था जात पात धर्म इन सबसे हटकर केवल शुद्ध मानव सेवा का रास्ता होगा, पर कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्या प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रहा था। मैंने बड़ी लंबी यात्रा अपने सारे कामों के साथ करी और करते करते मैंने चारों धाम किए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब और सारा ये अपना गंगोत्री, यमुनोत्री, सारी देवियां, सारे हिंदुस्तान के तीर्थ, सिखों के, मुसलमानों के, राधा स्वामी, ब्रह्म कुमार, निरंकारी धर्म, जितने थे सब ढूंढे। अल्टीमेटली मुझे बाहाई धर्म पसंद आया। दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है, अगर आपको पता है। हाँ। आप अभी पूना में रहते हैं क्या? हाँ, पूना में। पूना में एक तरला दलाल थी, उनकी बहू जो है वो भी बहाई है, मार्जिया दलाल। पूना में अच्छी बहाई समुदाय है। हाँ। वो नेशनल होटल भी कुछ बहाई लोगों का होता था। हाँ। काफी सारे बहाई हैं पूना में। तो पंचगनी में एक स्कूल है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल न्यूअर हाई स्कूल, और पंचगनी में आती रहती हूँ, एक कमेटी में भी हूँ एक में। तो मैंने वहां भी ये जहां जहां दंगे हुए वहां वहां भी अध्ययन करने मैं अपनी जॉब के थ्रू गई। उसी अध्ययन के थ्रू मैं एक दिन इंदौर आई, सरकारी ड्यूटी में थी, होम मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था। मैं अपने काम करने में मैं भारत दर्शन कर लिए और पूरे देश की समस्याएं क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति वाले कैसे सारा हर चीज को गोल करते हैं, कैसे घुमाते हैं, वो केवल अपने हित में सोचते हैं, ये सब सीख लिया। बहाई धर्म अपनाने के बाद मुझे लाइन मिल गई, मुझे 81 में मैंने बहाई धर्म अपनाया, 48 का बर्थ है मेरा, चंडीगढ़ में। तो मैंने एक टाइम ये आया, पूरे भारत में घूमते घूमते मैंने आके लिख के दे दिया, अब मैं रिसर्च विसर्च कुछ नहीं करूंगी, इसका कोई फायदा नहीं, अब मैं विकास विकास का सेवा देना चाहती हूँ विकास में। तो एक दिन मैं इंदौर आई हुई थी, यहाँ एक जो आप बारली बोलते हैं, बारली नहीं है, बरली है, बरली। हाँ। अंग्रेजी में पढ़ते हैं ए पढ़ के आप, पर आपको बरली का मतलब बताती हूँ। पर मुझे यहाँ पर एक दिन, ये आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे, गोल्डन टेम्पल पर मिलिट्री आई थी। हाँ। गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ था, भिंडरावाले तो सब आतंकवादी, और फिर मिलिट्री चली गई थी। उस शाम की बात है, जून महीना 1984 में मैं इंदौर में स्टेट गेस्ट थी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हाँ। रिसर्च कर रही थी इंदौर में मैं, मुझे रात को अचानक कर्फ्यू लगा, तो एक बहाई बुजुर्ग मुझे लेने आए कि चिट्ठी डालती थी, हमारे जमाने में चिट्ठी लिखते थे, ये फोन वन नहीं, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, कि मैं इंदौर में हूँ, मैं इस जगह रह रही हूँ, कि कोई बहाई प्रोग्राम शाम को 6 बजे के बाद हो तो मैं आना चाहूंगी, उसमें प्रार्थनाओं में और शामिल होना चाहूंगी। तो जब ये हुआ तो यहाँ के एक बुजुर्ग, मिस्टर वजदी उनकी सरनेम था, वो मुझे जीप में रेजिडेंसी कोठी में लेने आ गए कि चलो आज एक, वो बाहर ही बाहर था, वो शहर में नहीं था, शादी है, 2 बच्चों की, बहुत ऐसे ही गांव के बच्चे हैं गरीब से, तो थोड़े से लोगों में शादी हो रही है, तो चलो तुम खाना भी खाना, हमारे साथ आ जाओ। वहां बैठे हुए उनकी वाइफ को मैंने पूछा, ये क्या है, इतनी सारी जमीन पड़ी है, उबड़ खाबड़ सब, ये 6 एकड़ जमीन थी, टाटपट्टी पे बैठे पंजाबी, मैंने मैंने टाटपट्टी पे सिवाय गुरुद्वारे के लंगर के, हम लोग नीचे बैठ के कभी खाना नहीं खाते थे, टेबल वाले पंजाबी, और हमारा परिवार जो था थोड़ा ज्यादा
डेवलप था, और मामा लोग आर्मी में थे तो चम्मच से खाना खाना है और हाँ देसी था, लेकिन टेबल पे बैठ के नीचे वाली आदत नहीं थी हम लोगों को। तो हालांकि मैं साइकिल चलाती थी, साइकिल से जाती थी, सब कुछ था। मैंने उनके साथ बैठ के पूछा ये क्या है इतनी सर, तो उन्होंने बोला वी आर वेटिंग फॉर समबडी लाइक यू, यू कम वी विल डू वंडर्स बाय वर्किंग फॉर रूरल एंड ट्राइबल वुमेन ऑफ दिस एरिया। मैंने उनकी बात सुन के, मैं तो अभी गवर्नमेंट जॉब में थी, अभी मैं प्रोजेक्ट कर रही थी अपना उनका, और हाँ मैं बोला प्रभु इच्छा, मैं बोल के चली गई। रात को मुझे छोड़ गए, कर्फ्यू थोड़ा टाइम होया, कुछ लोगों को बुला के रेजिडेंसी में मीटिंग की। तो एक आप जानते होंगे श्रीमती सुमित्रा महाजन, जो भारत की लोकसभा की स्पीकर रही हैं और 8 बार सांसद रही हैं, उस टाइम पर तो इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने मुझे कहा, बहुत लंबी स्टोरी है पर शॉर्ट में बता रही हूँ, तुम इंदौर आ जाओ, ऐसी महिलाएं नहीं हैं इतनी इतनी हिम्मत वाली और इतनी अकेले जो घूम सकती हैं, लोगों को सिखा हाँ सकती, ऐसी भावना रखती हैं। उनकी भी बात सुन के मैंने बोला अभी तो मैं इस पे आई हूँ अपने टूर पे ऑफिशियल। दो लोगों ने, तीसरे दिन मिसेस महाजन ने मेरा परिचय कराया, यहाँ जूनी चिंतक थे, जयप्रकाश नारायण वाले मूवमेंट के समाजवादी थे, उन्होंने सुना में और सब, तुम तो बिल्कुल पंजाब की शेरनी जैसी बच्चे हो, हमारे यहाँ की महिलाएं तो बहुत मतलब अभी पीछे हैं, तुम यहाँ। 3 दिन में 3 लोगों ने बोला, मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा करके चली गई, मुझे कुछ पता नहीं। थोड़े दिन में मुझे मैसेज आया, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर ये कहा गया कि आप तुरंत, मुझे दिल्ली बुलाया गया, बहाई नेशनल ऑफिस में कहा आप तुरंत जाके वो प्रोजेक्ट शुरू करना है इंदौर में आदिवासी लड़कियों का, आप आ जाओ। अब वहां सिर्फ जमीन थी, दो दो मेरी जरूरतें थी उस टाइम। मैंने कहा कि मेरी पीएचडी खत्म होने वाली है, उसके लिए 6 महीने का टाइम मुझे दे दो। एक मेरा छोटा भाई बीमार था, वो ठीक हो जाएगा। तो मिसेस जीना सोली सुराब जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनकी वाइफ, बहाई काउंसलर हमारी, उन्होंने कहा टाइम नहीं है, तुम अपनी किताबें उठा लाओ और तुम्हारे भाई को ईश्वर ठीक करेगा। बस इस बात के ऊपर मैं आ गई, मेरे माँ बाप थोड़े से अपसेट हुए लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी जिंदगी के फैसले कैसे मैं ले रही हूं, जस्ट टेबल पे रिजाइन रखा, घर आ गए, वापस नहीं गए, नहीं जाना। और माता पिता कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे मेरी औलाद है, मुझे उस पर बहुत भरोसा है, जो भी निर्णय वो लेती है वो ठीक है, उसकी बात ठीक है। हमने जीवन में यही सुना, उसकी बात ठीक है, वो ठीक कहती है। तो हम लोगों को ये सीखना है कि हम अपने बच्चों को ऐसा बनाए कि वो ऐसे ठीक रहे, जो दूसरों को भी ठीक कहें, उनको ऐसे बनाए। पर ये बच्चे बचपन से शुरू होगा, हाँ नैतिक शिक्षा। मैं ये जो नैतिक शिक्षा, ये श्लोक याद कर लो जिसका मतलब ही नहीं पता, आपने बोल दिया और फिर करते नहीं है। नैतिक शिक्षा जो मानवीय शिक्षा है, मानवीय कार्य जो है, वो सब उसके ऊपर जोर देना चाहिए। मैं आ गई और काम शुरू किया, और 3 साल मैंने अकेले वो सब काम किया। और वहां पर काम करते सबसे पहले मैंने 302 गांव में, उसका वो नाम अभी केवल एक प्रोजेक्ट का नाम था, बहाई ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बहाई महिला प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान। तो वो एक प्रोजेक्ट था, बहाईज ने फंड किया था,
3 साल तक उसका वही नाम चलता रहा और किसी से बाहर से फंडिंग नहीं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे, गवर्नमेंट का था तो मेरे पास ना घर था रहने के लिए। मैं 6 एकड़ जमीन में एक 10 बाई 10 के सर्वेंट रूम में रही। टॉयलेट कहीं और था, किचन कहीं और था, दीवार नहीं थी, दीवार बनवाई। तो बहुत सारी बातें आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं कैसे मैंने वहां 3 साल गुजार के प्रोग्राम 19वें दिन से शुरू कर दिए थे, रेजिडेंशियल प्रोग्राम। फिर बिल्डिंगें भी बनाई, सब काम भी किए, लेकिन गांव में जब मैंने जाना शुरू किया वहां पर, तब की बात है जब सड़कें नहीं होती थी, 1985, मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी, आदिवासी एरिया में सड़कें नहीं होती थी। लोग ये कहते थे कि शाम को अगर आप इस एरिया में जाएंगे आपको आदिवासी भील तीर से मार देंगे, खतरा है। लड़की तो सब, मैं अकेली लड़की थी, थोड़ी बड़ी लड़की थी, लेकिन जाती थी बसों में, एक बस जाती थी वापस नहीं आती थी। मैंने 302 गांव में नारू की बीमारी थी, जो खराब पानी, इन्फेक्टेड पानी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हाँ 302 गांव में लाखों लोगों को ये बीमारी थी, उसको ठीक करने में काम किया बिना पैसे लिए। मैं अपना काम कर रही थी लोगों को मिलने का, इंदौर लड़कियों को भेजो, लेकिन उसमें मेरे को इंटरेस्ट आया। मैंने भीली में ड्रामे करवाए उन लोगों से, जो भी था वो 302 गो नारू मुक्त हो गए। पानी की कीड़े होते हैं, वो घुटने से निकलते हैं और पैर से 1 मीटर तक कीड़ा निकलता है। लोगों हाँ ने बात मानी, ठीक हो गए, मुझे भूमि सम्मेलन में बुलाया गया, अर्थ समिट पे, और ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर दिया गया। वहां मैंने जाके सुना, अभी आपको कोविड ने सिखाया है कि हमने पर्यावरण को छेड़ा है, इसलिए ये कोविड हमें छेड़ गया, पूरा विश्व हिला दिया है। अभी ये ग्लेशियर फूट रहे हैं, कहाँ आग लग रही, क्या हो रहा है, ये सब इस बात से कि हमने पर्यावरण के साथ धोखा किया है। मैंने ये समझा कि वहां से समझ के आई, मैं अपने जीवन में अब कोई काम ऐसा नहीं करूंगी जो प्राणियों के साथ सद्भावना नहीं रखेगा, इंसानों के साथ, पशु पक्षी के साथ, पेड़ पौधों के साथ, धरती माँ के साथ, पानी के साथ, आकाश के साथ, सबके साथ, 5 तत्वों के साथ। मंदिर में आप भी शायद गई होंगी, शायद महाराष्ट्र का सिस्टम अलग है मुझे पता, लेकिन चंडीगढ़, पंजाब, यूपी में मंदिर जाते थे तो पंडित जी कहते थे सारी कथा के बाद, विश्व का तो सब कहते थे कल्याण हो। फिर वो पूछते थे कि प्राणियों में, तो हम सब कहते थे हो सद्भावना, हम कहते थे हो। हमने हाथ भी खड़े किए पर हमने हाथ हिलाए नहीं, ना तो विश्व के कल्याण के लिए थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली किया, ना हमने प्राणियों में सद्भावना की सोची। हमारे अंदर तो दुर्भावना ही बढ़ती रही। तो मैंने ये प्रण लिया, आके मैंने वो संस्था में भी किया, मुझे ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर देने के लिए वहां बुलाया गया। उसके बाद मैंने मेरे जीवन में कचरा नहीं किया, मेरे जीवन में कचरा दान नहीं है। पहले बरेली संस्थान को ऐसा बनाया, 3 साल मेरे काम के बाद जब मैं कर रही थी तो जिमी मगिलिगन मेरे हस्बैंड, वो भी बहाई थे, वो भारत में ग्वालियर एरिया में, वो भी एक ऐसा सेवा का काम कर रहे थे, वापिस जाने वाले थे, लेकिन उनसे मुलाकात हुई, वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने आके एक दिन कहा कि ये इतना इम्पोर्टेंट काम है कि मैं अपना जीवन नहीं गवाऊं वापस जाके, मैं केवल यही सेवा दे सकता हूँ। तो मैंने वेलकम किया और हमारी ये मेरा जीवन का साथ, बाद में हमारे माता पिता ने, कुछ दिन बाद ही हमारे माता पिता ने हमारी शादी की, वो आ गए, हम दोनों ने मिलके उस कैंपस को, तब तक उसका नाम बहाई वोकेशनली था 2000 तक, उस कैंपस को ऐसा बनाया कि अपना उगा के खाएंगे। सारी लड़कियां 6 महीने रहती थी, पढ़ लिख के जाएंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। सोलर किचन बनाया जिसका खाना सारे सोलर से बनता है, धुआं नहीं करेंगे, कचरा नहीं करेंगे, सब कुछ। तो ऐसा आप उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर मैंने, मुझे हमारी राष्ट्रीय सभा ने कहा कि अब आप इसको
एक एनजीओ बना लो। अब आप स्थापित हो चुकी है, आपके हाथ में, आपको जिसको भी बनाना बनाओ, जो भी करना करो। तो मैंने मेरे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बर्ली नाम की लड़कियां आदिवासी गांव से आती थी ट्रेनिंग लेने। मैं सोचती थी ये इसका मतलब क्या है बर्ली का। अगली बार जब गांव गई तो किसी से पूछा ये बर्ली नाम कैसे रखा है इसका, तो बोलते थे कि आदिवासी घर के अंदर आपने देखा होगा एक टापरा रहता है, हाँ, एक तो ऐसे रहता है पहले, उसके नीचे ऐसा रहता है, वो चौकोर रहता है, ऐसा क्रॉस करके एक बीच में एक तना के ऊपर, पिलर के ऊपर वो पूरा टापरा आदिवासी खड़ा होता है। बाकी बाकी आसपास होते हैं, ये सेंट्रल पिलर होता है। लड़कों ने बताया ये बर्ली है, वो बर्ली है। मैंने उसका नाम दिया कि महिला समाज की बर्ली है, परिवार की बर्ली है। अगर वो मजबूत नहीं है, परिवार गिर जाएगा। अगर वो मजबूत नहीं है, दुनिया गिर जाएगी, देश गिर जाएगा। और बहाई लेखों में लिखा है, हमारी हमारे मेरे पति और मैं दोनों बहाई थे, और हम दोनों, हमारे यहाँ कहा गया है, लिखा है पूरे वर्ल्ड में, गूगल पे भी है, ह्यूमैनिटी इज ए बर्ड ऑफ टू विंग्स विथ टू विंग्स। मानवता दो पंखों का पक्षी है, दोनों बराबर एक दूसरे की कॉमन म्यूचुअल स्ट्रेंथ और पावर से उड़ेंगे, एक दूसरे को उड़ाएंगे तो पक्षी उड़ान ऊपर भरेगा। दिस इज इट, मानवता पक्षी है। हमारे जिन लोगों ने महिला को दूसरे नंबर पर रखा, उनको समझना होगा कि हम दो पंख हैं। मी टू नहीं है, वी टू है, वी टू, वी टू है। मैं और मेरे हस्बैंड एक पक्षी के दो पंख की तरह। कुछ भी बीच में मिलता नहीं था। वो ब्रिटिश थे, वाइट थे, क्रिश्चियन परिवार से थे, मैं हिंदू पंजाबी परिवार से थी, मैं भी बहाई थी, शादी में देना लेना नहीं किया, दारू नहीं पीते, पॉलिटिक्स में नहीं, नियम सेम थे। हम दोनों ने अपने जीवन को, मैंने मेरे जीवन के शादी का फैसला खुद किया, सेवा का फैसला खुद किया, उसके बाद ये फैसला भी किया, उसका नाम बनाया, संस्था बनाई, उसका नाम भी अपने मैंने दिया, बर्ली, बर्ली ग्रामीण महिला विकास संस्था। फिर 1972 से मैं चल रही थी लगातार जेंडर इक्वालिटी के लिए, शुरू से मैं जुड़ी हूँ, पहले अपने लेवल पर, फिर बड़े लेवल पर, फिर नेशनल, अभी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन में, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ, अब मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं सब जगह हूँ। Yes. आपके साथ होगी, आपको जानती नहीं। तो मैं सोचती हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे को जीवन में ये अवसर मिला, मुझे ये विश्वास मिला। वो संस्था से पहला ऐसा कैंपस बनाया मेरे हस्बैंड ने, जिसमें अपना उगा के खाना है, कचरा करना नहीं है, कंघी के बाल भी बाटिक का ब्रश वैक्स घुमाने के लिए ब्रश बनाना है, कचरा नहीं करना, कचरा नहीं किया, कचरा दान सब जीवन में, और कचरा आत्मा का नहीं करना, प्रेम का नहीं, रिश्ते का नहीं करना, सब चीज का कचरा नहीं करना। बर्ली संस्थान में 26 साल सेवा दी, 500 गांव की 6000 लड़कियां वहां ट्रेन होके गई। मेरा टाइम 1 घंटे से 10 मिनट ऊपर हो गया, मैं 5-10 मिनट अपनी बात खत्म कर दी अभी। वो जो 2007 में मुझे 4 कैंसर की सर्जरी हुई मेरी ब्रेस्ट, और उसमें मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, और पहला जन्म माँ ने दिया, दूसरा जन्म डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद हुआ, तो 4 सर्जरीज कैंसर की भी हुई। तो मुझे काफी सालों से ऐसा लग रहा था कि ये संस्था मैं और मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, दीदी जीजा जी थे, 29 लोगों का स्टाफ था, अभी
6,000 लड़कियां ट्रेन कर चुके थे, इसको सस्टेनेबिलिटी चलता रहे हमारे बिना, कुछ लोगों को तैयार करके, स्टाफ तो तैयार था, सारी आदिवासी लड़कियां ही उस सेंटर की ट्रेनर रही। तो किसी डायरेक्टर के लिए भी तैयार किया, कपल भी, उनको भी तैयार करके छोड़ दिया, छोड़ देंगे इसको, रिटायर हो जाएंगे अपने आप। तो हम दोनों ने तय किया, मेरे मायके चंडीगढ़ में भी हमारा घर था, ससुराल में भी उनका घर था, लेकिन हम दोनों ने कहा कि नहीं, हम भारत में ही, क्योंकि इंदौर इंडिया है, पूना इंडिया है, बॉम्बे इंडिया है, दिल्ली इंडिया है, भारत गांव में है। हम दोनों ने कहा हम भारत में रहेंगे, ये भारत में सनाउदिया गांव में आधा एकड़ जमीन लेके वहां घर बनाया। इस घर में सारा कुछ अभी सोलर से चलता है। पहला काम उन्होंने अपने हाथ से बनाया, पहला काम ये किया कि 50 आदिवासी परिवारों को सोलर विंड पावर से 19 स्ट्रीट लाइट दी, और वह अभी 10 साल तक चला रहे, फ्री दे रहे। अब मेरा फ्री टाइम हो गया, डायरेक्टर थी वो, मैनेजर थे, लेकिन ये घर बना रहे थे, अभी शिफ्ट नहीं हुए। 4 अप्रैल 2011 को, 16 अप्रैल को रिटायरमेंट की पार्टी और सब प्रोग्राम बने हुए थे, 4 अप्रैल को हमारा दोनों का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद 17 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो मैं अब फिर, अब ये भी उजड़ी हुई जगह थी जिसमें अकेले रहकर, पर मेरी एक स्टूडेंट थी नंदा, नंदा ने कह दिया था कि आप जहां भी जाएंगे हम नौकरी नहीं करेंगे इसके बाद। तो उसका घर ऊपर यहाँ वो बना दिया था मेरे हस्बैंड ने, वो भी साथ में थे, दो बच्चे यहीं पर हम लोग साथ में रहे। हमने यहाँ पर एक जो काम आके फिर ये समझ आई, ये जहां उन्होंने छोड़ा है छोड़ गए हैं, लेकिन मेरे परिवार ने भी बोला कि यहाँ अकेले कुछ नहीं था, यहाँ आप पर गांव के बाहर है ये, अब गांव, अब शहर आ गया यहाँ, अभी कहाँ कैसे रहेगी। मैंने बोला ये घर नहीं है, ये दीवारों का घर नहीं है, मेरे लिए सेवा का मंदिर है, मैं जब तक जीऊंगी यहीं रहूंगी और यहीं मरूंगी। तो ये फैसला किया, और यहाँ आने के बाद मैंने अपना घर खोल दिया। जो जो मेरे को आता था, एक सोलर कुकर है, दूसरा ये है, सोलर विंड पावर है, सब्जियां लगानी शुरू की, गाय पाली शुरू की, ऑर्गेनिक खेती शुरू की। अभी ये सेल्फ सफिशिएंट मॉडल ऑफ नेचुरल फूड सब लोगों के लिए फ्री खोल दिया, आधे दिन की कार्यशाला, सब देखने आते स्टूडेंट्स को, 86,000। अभी जूम पीरियड की गिनती मेरे पास नहीं है, क्योंकि इतना है, कितने लोगों को ट्रेनिंग ऑनलाइन दी है, पर 12 मार्च 2020 तक 86,000 लोग यहाँ निशुल्क प्रशिक्षण लेकर इंदौर को 4 बार स्वच्छतम सिटी बनाया लोगों ने, और मैं 5वीं बार भी अभी ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छता की। ये मेरी पोस्ट नहीं है, ये मेरी जॉब नहीं है, लेकिन ये मेरा धर्म है, समाज मेरा धर्म है, और मुझे हर बात जो भी समाज के लिए कोई बुलाए कहे मैं करूं। तो अभी इस दौरान 2-3 बार और भी मुझे समस्याएं आई हेल्थ को, लेकिन मैं कैंसर के मरीजों के साथ भी, संगिनी एक संस्था है उसके लिए भी काम करती हूँ, स्वच्छता लेके काम करती हूँ। उस गांव में काफी सारे लोगों ने अभी स्वच्छता का, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे चिट्ठी लिखी 2017 में कि आपका हमें एक अलग से टाइम चाहिए स्वच्छता के लिए, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो पद्मश्री से सम्मानित, उनके पास लिस्ट थी, उन्होंने बहुत बड़ा अप्रिसिएशन लिखा, आपने ये किया वो किया, पर अब एक अलग समय। 2017 से मेरा जीवन स्वच्छता, आत्मा में, प्रेम में, एकता में, महिला पुरुष में, एक जैसा रहना है, मिलके चलना है, विश्वास कायम करना है। तो जो मैं अभी कार्यशाला करती हूँ शादी के, शादी में और शादी का कचरा नहीं करना, तो वेस्ट, जीरो वेस्ट शादी होती है यहाँ,
गांव में भी लोग अपना काफी कचरे में डिस्पोजल वगैरह, मैं मेरे हाथ में एक कपड़े की थैली में स्टील की बोतल और स्टील का ग्लास और एक रुमाल रखती हूँ, जिससे कभी भी मैंने जीवन में डिस्पोजेबल यूज नहीं किया। तो ये मेरा पूरे वर्ल्ड में ये बात मेरी सबको पता है, और ऐसे कचरा मुक्त करने की बात हो रही है। और यहाँ पर मेरा सारा काम, केवल मेरे काम का नाम है जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ आने के बाद एक हमने जैविक सेतु बनाया, उसका नाम दिया जैविक सेतु, जहां पर किसान ऑर्गेनिक अपना सामान बेच लेते हैं। अब मैं अपनी बात केवल इस बात से खत्म करती हूं कि हम लोगों को इंसान का जीवन मिला है, हमें हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। क्या हम इस दुनिया को गंदा करने आए हैं? क्या हम इस दुनिया में राजनीति करने आए हैं? क्या हम दंगे करने करवाने आए हैं? क्या हम झूठ बोलने आए हैं? क्या ये बुजुर्गों का अपमान करने आए हैं? वो माँ बाप जिन्होंने हमें बड़े किया है, उनको फेंक देते हैं कपड़े की तरह, पुराने कपड़े की तरह। तो हमें ये नहीं पता कि हम मरेंगे कैसे, ये चॉइस नहीं है हमारे पास। लेकिन एक चॉइस है, हमें जीना कैसे है, बस मुझे कैसे जीना है ये मुझे पता है। मैंने पूरी जिंदगी, अभी मैं मार्च का महीना है, होली के रंग बनाना सिखाऊंगी नेचुरल, दिवाली पे अप्रैल में सोलर कुकिंग। हाँ, 8 मार्च को मेरे यहाँ पुरुष पुरुषों को सोलर कुकिंग सिखाते हैं, महिलाओं का महिला दिवस मनाते हैं पुरुष, और हम मेरे जैसे लोग आके वो खाना खाते हैं। आदमी लोग बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, पता चलता है कि औरत को कहना, अरे ये क्या है, ये रोटी ढंग की नहीं बनी आज, मजा नहीं आया। आटा गूंथते हैं तो पता चलता है, रोटी बेलते हैं तो पता चलता है। लेकिन मैं सब कुछ बहुत प्यार से करती हूँ, मुझे सब आदमी, लड़कियां लड़के इतने प्यार करते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं। मैंने कोविड काल में इतना मुश्किल से लोगों को रोक रखा है, अभी भी फेसबुक पे नहीं लिख रही हूँ, पर्सनल लड़के ही लड़कों को इनवाइट कर रहे हैं, छोटे से ग्रुप को सिंबॉलिक करेंगे। तो साल भर मेरे प्रोग्राम, राखी पे जितने साल की होती हूँ, हर साल 36 साल से राखी पे केवल पेड़ ही लगाते हैं, जितने लोग मुझे दीदी बोलते हैं, एक पहाड़ी, 6-7 पहाड़ियां इंदौर की पेड़ लग चुके हैं और चल रहे हैं। जितने साल की होती हूँ जन्मदिन पे उतने पेड़ ही लगाती हूँ, शादी में पौधा पेड़ ही गिफ्ट करती हूँ, और किसी से प्लास्टिक में फूल नहीं लेती हूँ, अभी ये स्मृति चिन्ह मोमेंटो ये सब नहीं लेती हूँ, और मुझे किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, और मैं कुछ देती भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं करती हूँ वो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो पूछते हैं तो वो देखते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंटर हैं, जिनकी मैं मेंटर हूँ, वो ऐसे बिजनेस और ऐसे काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। मेरी सस्टेनेबल डेफिनेशन वही है कि विश्व का कल्याण, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, और प्राणियों में सद्भावना से जीना है, और कोई कारण नहीं है। ये जीवन ईश्वर ने इंसान को ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, जिसको आजकल आप, हम तो बुद्धि कहते थे, इंटेलिजेंस कहते थे, अब आप लोग उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने लग गए। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल हो जाए। आप लोग दिए हुए बुद्धि और विवेक को और आत्मा को, परमात्मा के प्रेम के लिए हम ये जीवन को अच्छा जिए जितने दिन है। और अभी बड़ों का सम्मान, औरत आदमी दोनों बराबर है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, नहीं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यस ये औरतों को भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि जितने गंदे काम कर आदमी करता है, दारू पीता है, वो नशा करता है, ड्रग्स खाता है, सेक्स में भागता है, तो लड़कियां ऐसा नहीं सोचे कि बराबरी का ये भी एक रास्ता है। ये बराबर नहीं होना, लड़के भी कायदे से रहो, लड़कियां भी कायदे से रहो। लड़की अच्छी अच्छी पढ़ लिख के अच्छी बहू बने, अच्छी माँ बने, अच्छी बेटी बने, बेटा अच्छा
भाई बने, अच्छा बाप बने, अच्छा पति बने, अच्छा जवाई भी बने। अगर हर माँ ये सिखा देगी, भारत की औरतें विधवा औरतों के लिए जो उन्होंने रिवाज बनाए हैं, कुमकुम में वो नहीं आएगी, शादी में वो नहीं है। मेरी माँ ने जब शादी के लिए बोला कि तुम्हारी शादी में हमारे कौन कौन सा रिवाज बेटा करोगी, मैंने बोला क्या क्या करवाना आप बताइए, जरूर करूंगी। बोले हल्दी लगाना है, मेरी विधवा बुआ मुझे हल्दी लगाएगी तो मैं लगवा लूंगी। चार औरतें कपड़ा लेके खड़ी होती हैं, एक बहुत शानदार उसके नीचे बिठा के हल्दी लगाते हैं, चारों विधवा चूड़ा चढ़ाते हैं लाल। मेरी मामी आर्मी वाले मामा की पत्नी 22 साल की विधवा वो चूड़ा चढ़ाएगी, चढ़ाया। मेरी माँ, मैंने मेरी माँ की बातें मानी और मेरी माँ ने मेरी बातें मानी। बहुत बढ़िया, हमको यह सीखना है कि हम बड़ों की माने, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे देखते हैं। अभी बड़ों के साथ बच्चों को साथ में मिलाकर काम करना है ताकि एक दूसरे को दे सके। और ये जीवन, बेटियां बचाओ बेटियां बचाओ बेटी बचाओ, बहुत साल हो गए, बहुत पुराना नारा हो गया, बेटी नहीं बची है, सेल्फ डिफेंस पता ही नहीं होता। लेकिन बेटों को बचाओ, बलात्कार नहीं करें, बेटों को बचाओ, शराब पी के हंगामे नहीं करें, बेटों को बचाओ, महिला को मारें कूटे नहीं, बेटों को बचाओ, माँ बहन की गाली नहीं दें, बेटों को बचाओ, बेटों को सिखाओ महिला, ये महिला झंडा लगा के महिला दिवस, महिला दिवस। आदमी जब तक नहीं चाहेंगे हमारे साथ और हम एक दूसरे पर विश्वास करें, बाकी शादी का चयन अगर ठीक कर लें। अब शादी अगर आपको पैकेज के साथ करनी है तो पैकेज में उसकी सारी गंदी आदतें भी हैं। अगर आप अच्छे इंसान से शादी करेंगे तो फिर आपको इंसान अच्छा मिल जाएगा, पैकेज बाकी आ जाएंगे। हमारे जीवन में तो हमने अच्छा इंसान जो हमारे जीवन में हमारे साथ इस उद्देश्य में चलेगा और हम उसके साथ चलेंगे। हम दोनों ने तय किया बच्चे नहीं पैदा किएंगे, आज मेरे लाखों बच्चे हैं, दो बच्चों से क्या करती है ना, आम लोगों की तरह वो भी अमेरिका के नौकर बन के चले जाते। मेरा तो ब्रिटिश आदमी मेरे साथ रहा, भारत की मिट्टी में है, यही पड़ा है। उनकी हिंदी फीमेल हिंदी थी, जेंडर उनकी बोली का जेंडर बदल गया, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती थी, वो मेरी इज्जत करते थे, और दोनों अपने प्रेम और त्याग को कभी नहीं त्याग करते थे। एकता, विश्वास, विश्वास पात्र होते दोनों, और ट्रांसपेरेंसी, पूरी ट्रांसपेरेंसी। अभी तो पासवर्ड पे ही लफड़ा हो जाता है, अभी स्पाइंग करते हैं एक दूसरे के, किसके कॉल आए, क्या हुआ। तो सोशल मीडिया पे भी इसको, इस सारे जो बातें हैं, एक अच्छा स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाए। ये मरेंगे कैसे ये नहीं पता, पर जीना कैसे है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जीना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच जनक जी। मुझे एक ही छोटा सा एक सवाल है आपसे, ये सब जद्दोजहद में आपने सितार कहाँ से सीख लिया और विशारद कर लिया उसमें? जद्दोजहद मेरे जीवन में जद्दोजहद नहीं थी, वो तो यात्रा है, यात्रा है। इतनी लंबी यात्रा में आपने सितार कहाँ से सीख लिया, वो भी विशारद कर लिया उसमें? 72 से 76 तक मैंने सितार सीखी। मेरी छोटी बहन, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 3 महीने के बाद, और वो बहुत उदास थी। तो दिन भर मैं काम करती, शाम को मैं सितार सीखने उसको ले जाती, मेरे से 3 नंबर छोटी है वो। दोबारा उसकी 5 साल के बाद एक बहुत अच्छे हमारे लड़के से शादी, बहुत सुखी है वो। लेकिन मैंने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि उसकी लाइफ डिप्रेशन में नहीं चला जाए। तो जब हम पॉजिटिविटी में रहेंगे, तो सितार सुनने का मुझे शौक था। मेरे पिताजी हमें बचपन में हरबल्लभ गीत सम्मेलन, संगीत सम्मेलन में जालंधर कार में भर के ले जाते थे, रात भर रजाई में सारी रात ऐसे बैठ बैठ के, पूरा पूरी रात हरबल्लभ संगीत सम्मेलन में सबको सुना।
पंडित जसराज जी को सुना, पंडित भीमसेन जी को सुना, रविशंकर जी को सुना, रविशंकर जी की प्रार्थनाएं गाई बहाई मंदिर में, क्या बात है। बात की और कुछ पहले की बातें हैं, लेकिन ये संगीत से बहुत प्रेम था कि संगीत ईश्वर की अगर प्रार्थना आप करते हैं तो संगीत में होके जितनी अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं आप। संगीत एक आत्मा का राग है वो हमें प्रेम आत्मा ईश्वर से जोड़ता है। तो मैंने सितार सीखी लेकिन आती बार वो इधर आके जो जीवन ये शुरू किया, सितार एक ऐसी लड़की को चाहिए थी जिसके पास पैसे नहीं थे पर उसकी परीक्षा होनी थी और उसको सितार दे आई। उसका नाम कभी नहीं बताती हूँ, उसका पता कभी नहीं बताती हूँ, लेकिन सितार केवल मैंने बजानी छोड़ी है पर हमेशा सुनती हूँ और मैं अपने जीवन के तारों को बजाती रहती हूँ। मेरे जीवन के सब स्वर और तार प्राणियों के साथ जुड़े रहते हैं, सुर जुड़ा रहता है, सारे सातों तार मेरे सद्भावना और ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जनक जी।